हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सोचो नारों में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ ताज़ी खबरें जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मक्का मुकर्रमा, मक्का में एक शख्स ने मस्जिदुल हरम में दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया। यह शख्स पाकिस्तानी है, इसकी उम्र 35 साल की थी। नीचे गिरने के बाद इसकी हड्डियां टूट गई, हालांकि उसको अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल पहुंचकर उसने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस इंक्वायरी करने में जुट गई है कि आखिर इस इंसान ने आत्महत्या क्यों की। जद्दा, जद्दा में एक इमारत की छत गिरने के कारण 7 लोग घायल हो गए। नीचे एक गाड़ी भी खड़ी थी, वो भी टूट फूट गई। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि छत गिरने से किसी को भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बुरैदा से एक रिपोर्ट आई है कि पेट्रोल पंप के एक टैंकर में आग लग गई थी। पेट्रोल स्टेशन के और हिस्सों में आग लगने से रोका गया था। आग लगने से 2 इंसानों को चोट भी आई थी। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रियाद, अलैया के क्षेत्र में यमनी और मिस्री नागरिकों के बीच लड़ाई हो गई। लड़ाई के दौरान एक की मौत हो गई। पुलिस ने अली नास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि लड़ाई के दौरान 30 साल मिस्री की मौत हो गई। लड़ाई के दौरान 2 यमनी शख्स ने मिस्री को जान से मार दिया। पुलिस आने से पहले दोनों वहां से बच निकले। पुलिस ने जानकारी इकट्ठा की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की उम्र तकरीबन 30 साल की है। इनका ताल्लुक यमन से है। कतीफ, इमरजेंसी सेना ने एक फार्म पर छापा मारकर शराब जब्त किया और 4 विदेशी लोगों को गिरफ्तार किया। विशेष रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई थी। शराब को बाजार में 90,000 से ज़्यादा लीटर में फैलाने की तैयारी की गई थी। लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया। रियाद, गैस कंपनी ने पुराने फाइबर गैस सिलेंडर पर रोक लगाकर नई गैस सिलेंडर लॉन्च की। मक्का, रियाद, जद्दा, बुरैदा, उनेजा शहरों में नए गैस सिलेंडर की शुरुआत किया गया। इसे लाने ले जाने में भी आसानी होगी। इसमें किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगी तो इसको तकनीकी कर्मचारी इसकी मरम्मत भी करेंगे, यानी इसमें कोई भी खराबी होगी तो इसको जो सिलेंडर देगा वो सही भी करेगा। जाजान, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि खुशी के अवसर पर यूज किए जाने वाले विस्फोटक आतिशबाजी कानूनी जुर्म में आती है। कुछ लोग ईद के अवसर पर इस तरह आतिशबाजी का यूज करते हैं, यह एक जुर्म है। आतिशबाजी की कोई भी चीज़ जो धमाका करती हो और उससे धुआं या आग निकले वो मना है, यानी वो ममनून किया गया है। रियाद, मौसम विभाग ने बताया है कि रियाद और मशरिकी रीजन में धूल और तेज़ तूफान आने की उम्मीद की जा रही है। रियाद और कसीम में तो आज धूल देखने को भी मिला है। बताया जा रहा है कि इसी तरह के धूल आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है और कुछ इलाकों में भी इसकी उम्मीद की जा रही है। मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबी शरीफ में जो लोग बिस्तर लगाकर सो जाते हैं इसको ख़त्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसके लिए कमेटी ने एक इमरजेंसी बैठक की है और इसको जल्द ख़त्म करने पर बातचीत भी की गई है। दोस्तों, अगर आप लोग जो लोग उमरा करने जाते हैं या फिर कहीं से भी आते हैं, अगर वो लोग बिस्तर लगाकर सो जाते हैं तो ऐसे में अब आपको सोने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे में जो लोग आते जाते हैं उनको तकलीफ़ होती है। और ऐसे जो लोग हरम, जैसे हरम शरीफ में जो लोग सो जाते हैं, जो लोग एहराम की हालत में सो जाते हैं, उनको वो लोग कभी भी इधर उधर घूमते हैं तो उनका कोई भी हिस्सा खुल जाता है तो आने जाने वालों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए ये सब चीज़ें हरम में भी और मदीने शरीफ में भी बंद कर दी जाएंगी। जो लोग सो जाते हैं तो ये चीज़ बंद कर दी जाएंगी।